आज बनाएंगे होली के त्योहार के लिए खास पकवान और ठंडे ठंडे ड्रिंक्स भी। इन गुजिया के बिना होली का त्योहार अधूरा सा लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जिस गुजिया के बिना त्योहार पूरा ही नहीं होता, इस गुजिया को बनाने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या? तो यहाँ देखिए, मैंने करीब 250 ग्राम लिया है मैदा। मैदा मतलब इस कटोरी से मैंने दो कटोरी भर के लिया है। इसमें एक पिंच डाल दिया मैंने नमक। अब ये नाप आप ध्यान रखिए, ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। जिस कटोरी से आपने मैदे को नापा है तो उसका 1/4 पार्ट आप घी डाल दीजिए। आप घी डालें, वैसे रिफाइंड भी डालेंगे तब भी चलेगा, पर घी अंदर मोयन में डालेंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगी। इन गुजिया को हम चाशनी में भी बना सकते हैं, बिना चाशनी के भी बना सकते हैं। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी, मावा है तो मावा डालिए, मावा ना हो तो आप क्या डालें, इसका मोयन करेक्ट है कि नहीं, इस तरीके से आप मुट्ठी बनाकर देख लीजिए। मुट्ठी जब परफेक्ट बने मतलब ये बहुत ही परफेक्ट मोयन इसके अंदर है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो बना के एक तरफ रख लीजिए। इस तरीके से मैंने पूरे मैदे को इकट्ठा करके टाइट इसका डो बना लिया। तो यहाँ देखिए, आधी कटोरी से भी कम पानी लगा है, थोड़ा पानी बच गया है। अब इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, करीब करीब हम 20 से 25 मिनट के लिए। अब मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए फिलिंग। चम्मच घी डाल दिया है, इस ड्राई फ्रूट को डालकर मैं सेक रही हूँ। अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना पसंद कर रहे तो कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल दिया है, काजू और बादाम को। अब इसी घी में मैं डालूंगी 3 चम्मच सूजी। जो नॉर्मल घर के चम्मच होते हैं उन्हें मैंने 3 चम्मच सूजी ले लिया है। सूजी बारीक है मैंने वही लिया है, अगर मोटी है तो आप उसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब सूजी का कच्चापन ना रहे तो इस बात का खास ध्यान रखें, सूजी को सेकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, भले कलर चेंज न करें लेकिन इसे सेकिए जरूर। जब सूजी सिक जाए उसे कढ़ाई में थोड़ा साइड कर दें। अब यहाँ पर आपको डालना है खोया। अगर आप खोया डालना चाह रहे हैं तो उसे इस तरीके से सेक लीजिए। मैंने 1/4 कटोरी लिया है खोया। ग्राम्स में देखेंगे तो करीब करीब 50 से 60 ग्राम ये खोया। खोया थोड़ा सा सिक जाए तब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम के आसपास नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप क्या करेंगे, जो गोला होता है उसे भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। 2 मिनट बुनाई करने के बाद अब सूजी को भी मिक्स कर लीजिए इसी के साथ, और तीनों को एक साथ थोड़ा सा भून लीजिए। एक और बात, मैंने आपसे कहा था अगर मावा ना हो घर में तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप सूजी की क्वांटिटी 6 चम्मच ले लीजिए और इसमें बाद में हम डाल देंगे 1.5 चम्मच मलाई। सूजी हमारी मावे का काम कर लेगी। मलाई अक्सर हमारे घर में होती है तो टेंशन नहीं होता। ड्राई फ्रूट जिन्हें मैंने सेक लिया था उन्हें मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। अब ये ड्राई फ्रूट भी मैं इसी के अंदर मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच मैं इलायची पाउडर। अब सारी चीजें ऑलमोस्ट भुन चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल रही हूँ। इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। अगर ड्राई फ्रूट ना हो तो चिरौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, थोड़ी ठंडी हो गई। तब मैंने इसमें डाल दी पिसी हुई चीनी। चीनी मैंने 6 चम्मच डाल दिया, मतलब 1/4 कप पूरा भर के डाला है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चीनी पसंद नहीं करते तो यहाँ पर गुड़ की चीनी जो आती है वो भी यूज कर सकते हैं। याद रहे बस चीनी थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। चलिए अब मैदे को देख लेते हैं, और मैदे को हम थोड़ा सा मल लेंगे। चाशनी वाली गुजिया कैसे बनाई जाती है, चंद्रकला कैसे बनाई जाती है, इन सब की रेसिपी मैंने दे रखी है। इन सब का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप आराम से इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने मैदे को इस तरीके से रोल कर दिया है और इसकी बराबर बराबर छोटी छोटी लोई कट कर रही हूँ। इसे गोल करके हमें इस तरीके से बेलना होगा। इसी तरीके से गोल गोल जब आप बेल लेते हो तब आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से जितनी आपको बड़ी बनानी है कटोरी से या गिलास से गोल गोल कट कर सकते हो, जिससे परफेक्ट आपको शेप मिलेगा। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड से भी बना सकते हैं। बेलते टाइम बस इस बात का ध्यान रखें ना तो बहुत ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा पतली हो। जो चाशनी वाली हम बनाते हैं उसे थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं, लेकिन जो सूखी बनाते हैं उसे बहुत मोटा रखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर रखेंगे बीच में हम फिलिंग, साइडों से लगाएंगे पानी और उसे ओवरलैप करके इसे इस तरीके से दबाकर प्रेस कर देंगे।
ये लीजिए। बहुत ही आराम से गुजिया का शेप बन जाता है। अब नॉर्मल जो फोक हमारे घर में होता है उससे आप इस तरीके से डिजाइन दीजिए। ये मैंने पहले ही कहा था ना आपको, ये गुजिया इतनी सरल है बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। लीजिए गुजिया बनकर तैयार हो गई। बस आप अच्छे से पानी लगाइए, उसे प्रेस कीजिए जिससे खुले नहीं। लास्ट में मैं आपको फ्लेम भी बताऊंगी कि किस टाइप की हमें फ्लेम में से सेकना होगा। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया को इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। इस 2 कटोरी मैदे से आपकी 25 गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर बड़ी बनाना चाहें तो अलग बात है, मैंने नॉर्मल इसको साइज दिया है। अब दूसरी तरफ आप एक फ्लेम पर ऑयल रखिए। यहाँ पर क्योंकि मैदे की ये गुजिया है तो आपको लगेगा कि तेज फ्लेम पे तो नहीं बनाना है, लेकिन क्योंकि अंदर फिलिंग है तो एकदम स्लो गैस पर भी ना बनाएं। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखें, लो टू मीडियम रखें, और थोड़ा सा ऑयल गर्म होने दें। बस इसे चलाना नहीं है जल्दी जल्दी, जब तक कि थोड़ी सिकाई ना हो जाए। इस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे आपकी गुजिया कभी भी खराब नहीं होगी। जब थोड़ी सी सिक जाए तब आप इसे धीरे धीरे पलटाते जाइए और इसे गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। इसे कई लोग लाइट व्हाइट कलर की भी फ्राई करके निकालते जाते हैं, पर पर्सनली मुझे व्हाइट कलर की गुजिया कम पसंद आती है। मेरे घर में हमेशा इस तरीके से गोल्डन कलर की गुजिया पसंद करते हैं। और हाँ, जब हम सूखी बना लेते हैं ना तो थोड़ी सी हम पाक भी लेते हैं, मतलब चाशनी में एक तार की चाशनी बनाइए और थोड़ी ठंडी कर दीजिए। दोनों में से एक चीज़, गुजिया गर्म है तो चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप थोड़ी देर डुबो डुबो के उसे निकालते जाइए तो बन जाएगी चाशनी वाली भी गुजिया। लीजिए आ गया ना कितना बढ़िया गोल्डन कलर, अब इसे निकालते जाइए। तो इस होली पर आप कौन सी गुजिया बनाना चाह रहे हैं, कौन से समोसे बनाना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। लीजिए ढेर सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। एक और बात, ये गुजिया ऊपर से तो बढ़िया क्रिस्पी लग रही है, लेकिन तोड़ोगे ना अंदर से मस्त मुलायम है, क्योंकि हमने जो मोयन डाला है ना बिल्कुल परफेक्ट है, और जो हमने फिलिंग डाली है थोड़ी ड्राई ड्राई है, तो जिसकी वजह से गुजिया काफी दिनों तक आप एंजॉय कर सकते हो। अब बनाएंगे क्रिस्पी सा सेव गाठिया, जो कि बेहद अच्छा बनेगा आपने यदि इन ट्रिक्स को फॉलो किया। यहाँ लिया है मैंने नॉर्मल वाला बेसन, जो हमारे घर में होता है, कोई मोटा पतला नहीं, जो भी होता है बस उसे एक बार छान लीजिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितना बेसन लेने वाली हूँ। एक परात सा ले लीजिए थोड़ा बड़ा, और उसमें 1.5 कप हम डाल देते हैं बेसन। 2 चम्मच भर के हम डाल देते हैं इसमें आरा रूट डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमें अजवाइन डालनी है ऐसे हाथों से क्रश करके, लेकिन क्या होगा ना, जो हम सेव बना रहे हैं थोड़ा बारीक वाला बना रहे हैं, फिर अजवाइन ना उस जाली में अटक जाएगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इस अजवाइन को ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद छानूंगी और वही इसमें डालूंगी। अब हम इस सेव में थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। यहाँ हींग मेरे पास थोड़ी मोटी है, उसे मैंने पानी में भिगो के रखा है, और वही हींग का पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये सेव खस्ता बने तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी मोयन। मैंने 2 टेबलस्पून मोयन डाला जिससे ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसे सारा मिक्स करने के बाद धीरे धीरे हमें पानी डालना है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाला है, मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना पानी इसमें लगा है। बेसन क्योंकि बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथेंगे तो सेव तभी भी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट गूंथेंगे तो मशीन से ही नहीं निकलेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे पानी डालते हुए उसे मलना है, जिससे उसकी मालिश भी हो जाएगी और ये बेसन बहुत ही परफेक्ट गूंथ जाएगा। मैंने 1/2 कप पूरा पानी डाल दिया है, 1/2 चम्मच पानी और लगा है। अब सारे मिश्रण को मैं एक तरफ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट मैंने बेसन बनाया है, और थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे मशीन में डालेंगे। मशीन को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। मशीन अगर आपके पास ना हो तो आप पॉलिथीन से भी बना सकते हैं, और मैंने पहले इसकी रेसिपी दी है, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। मैंने बहुत बारीक वाली जाली डाल दी है, कई टाइप की मशीनें होती हैं, किसी भी मशीन से आपका सेव बन जाएगा। अब इसमें 1/2 मिश्रण करीब हम अंदर डाल देंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल रखा है, ऑयल ऐसा होना चाहिए जैसे आप जरा सा मिश्रण डालिए और एकदम से ऊपर आ जाए, मतलब इतना गर्म होना चाहिए, और जो फ्लेम होनी चाहिए उसकी मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। ये देखिए सेव मैंने इस तरीके से कढ़ाई में डाल दिया। अब
कुछ सेकंडों के बाद इसे हम पलटेंगे। बहुत आसान है सेव बनाना, सेव बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब भी मन करे मिनटों में सेव बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे आप लाल रंग का बनाते हैं, येलो बनाते हैं, ये चॉइस आपकी है। आप इसमें लौंग को कूट करके डालते हैं तो वो एक अलग फ्लेवर आएगा, अजवाइन डालते हैं तो उसका अलग फ्लेवर आता है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो वो बिल्कुल लाल रंग का बन जाता है। ऐसे कई टाइप के सेव बनते हैं। मैंने भी कई टाइप के नमकीन बनाए हैं, उन सबकी लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे सारे नमकीन। मैं जब भी सेव बना रही हूँ एक छन्नी में रख देती हूँ, जिससे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। इसी तरीके से जब ऑयल फिर से गर्म हो गया तब हमने जो मशीन में रखा था वो मिश्रण से फिर से सेव इस तरीके से डाल दिया। इसी तरीके से हमें सारा सेव बनाना है। जो बचा हुआ मिश्रण है वो भी हम मशीन में डालकर इसी तरीके से सेव बना लेंगे। अब बारी आती है हमें गट्टे बनाने, जो इसके अंदर मोटे मोटे होते हैं, तो उसके लिए खास मसाला चाहिए। यहाँ मैंने मिक्सर का जार लिया है जिसमें एक चम्मच डाल दिया मैंने भर के सूखा साबुत धनिया, एक चम्मच डाल दिया है सौंफ, एक चम्मच डाल दिया मैंने इसके अंदर जीरा, यहाँ मैंने लौंग थोड़ी सी कूट के रखी थी 4-5, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। काली मिर्चें मैंने अलग से कूटी है, थोड़ी सी मोटी मोटी है, उसे मैं अलग रख देती हूँ और इसको मैं दरदरा कूट लेती हूँ। मशीन में से जो थोड़ा सा मिश्रण निकला उसे भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, और एक कप मैंने भर के बेसन डाल दिया। इसमें मैं 2 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कूटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ जो कि दरदरी कूटी हैं। ये मसाला भी काफ़ी सारा था, मैंने आधा इसके अंदर डाला है, बाकी का मसाला रख दिया है, मैं नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करूँगी। इसमें मैंने वही हींग वाला पानी भी डाल दिया। करीब 1.5 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल गरम किया हुआ डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं। कुटी हुई लाल मिर्चों को भी डालना है और 1 पिंच मीठा सोडा डाल दीजिए। इसे बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका है, इसके लिए कोई मुझे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप टाइट डो बना लीजिए, लेकिन इसे मलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे इकट्ठा करके हम टाइट डो बना लेंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा कड़क होंगे। इसे धीरे धीरे मलते हुए 1-1 चम्मच करके पानी डालना है। मैंने कईयों बार 1-1 चम्मच करके पानी डाला है और उसे मलती जा रही हूँ। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे एक सा कर दिया है। एक बार और मलने के बाद मैं इसे हाथों से शेप दूंगी। बहुत छोटे छोटे रोल बनाने हैं। अब इसको हमें सीधा सीधा बेलना नहीं है, सीधा सीधा बेलेंगे तो उतना वैसा टेक्सचर नहीं आएगा। एक साइड एक तरफ से, एक हाथ से एक तरफ से अपनी तरफ मोड़िए, दूसरी तरफ से मोड़िए, जैसे कि ना थोड़ा उसका शेप अलग सा आ जाए। आप मुझे सुनने से ज़्यादा मुझे देखिए कि किस तरीके से मैं उसको शेप दे रही हूँ। पहले लंबा बना रही हूँ, उसके बाद दोनों को अलग अलग दिशा में मैं घुमा रही हूँ। अब लास्ट में थोड़ा फोक से मैं प्रिक कर रही हूँ, जिससे अंदर से भी ये अच्छे से क्रिस्पी बने। इसी तरीके से सारे गाठिये मैं बना लेती हूँ, और साइज भी इसकी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि ये बाद में जाके फूलेंगे भी। छोटे बड़े कोई साइज का कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ा बन जाए कोई छोटा बन जाए, इसी तरीके से हमें बनाना है। अब जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमें गैस की फ्लेम स्लो चाहिए, तेज गैस पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। और जब भी आप डालें तो 1-2 मिनट के लिए आप बिल्कुल न चलाएं। 1 मिनट बाद आप देखेंगे बहुत बढ़िया ये सिकेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे, फूल भी जाएंगे, कलर भी बहुत ही परफेक्ट आएगा। मैं सिर्फ आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने हाथ से शेप दिया है उसी तरीके से इसमें शेप आया है, बस वही टेक्सचर हमें चाहिए था। बाकी का जो भी मिश्रण बचा है उसके भी हमें इसी तरीके से रोल बनाने होंगे। इसमें कट्स आते हैं या थोड़े से दिखते हैं ना, मतलब कट लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही परफेक्ट बन रहे हैं और अंदर से भी इसकी सिकाई बहुत ही बढ़िया हो रही है। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बाकी के बने हुए भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। जब 80% ये कुक हो गए जो पहले मैंने बनाए थे, उनको भी मैं साथ में डालकर थोड़ा सा और फ्राई कर लेती हूँ, जैसे एक ही कलर के सारे बन जाएं। अब सारे एक ही कलर के बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे और ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। मैं सेव को भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी है। अब हम इन्हें मिलाकर भी एक साथ रख सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग रखें, ये चॉइस आपकी है।
क्योंकि बारिश का सीजन है तो बस इसे आप एयर टाइट रखिए। ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता और क्योंकि आप अपने घर में अच्छे ऑयल से फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा जले हुए ऑयल से फ्राई नहीं करते तो काफ़ी लंबे चलते हैं। इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो ये आप घर में ट्राई कीजिए, अपने मनपसंद मसालों के साथ बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और आज जो हम ड्रिंक्स बनाएंगे उनके सामने कोल्ड ड्रिंक्स व जूस फेल है। यकीन मानिए पूरी फैमिली के साथ इन ड्रिंक्स का एंजॉय कीजिए और मेहमान नवाजी कीजिए। घर में रखी छोटी छोटी चीजों से आप इतने बढ़िया ड्रिंक्स बना सकते हैं कि बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ मैंने काले अंगूर लिए, खीरा लिया है और लिया है तरबूज और लिया है नींबू। आप इनमें से कोई भी ड्रिंक बनाएंगे आपको बेहद पसंद आने वाले। तो जब भी आपको मन करे कि कुछ अच्छा पीना है, कुछ ठंडा पीना है, कुछ हेल्दी पीना है, तो ये जरूर बनाइए। सबसे पहले लिया मैंने सब्जा। सब्जा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, गर्मियों में हमें अच्छी क्वांटिटी में सब्जा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सब्जे को भिगा दिया है। आप जिस भी ड्रिंक में डालेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेन इन्ग्रीडियंट है नींबू। तो अगर संतरे जाने वाले हैं, संतरे नहीं भी मिल रहे हैं, तो नींबू तो हमेशा मिलते ही हैं। तो नींबू को कट करके हम उनका जूस अलग कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप वेरिएशन से जूस बना सकते हैं। ये ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं, कोल्ड ड्रिंक से कई गुना अच्छे हैं, सस्ते सुलभ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। यहाँ पे मैंने नींबू का रस निकाल दिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी, जैसे आधा कप करीब पानी लिया है। और इसमें आप चीनी डाल दीजिए। अब आप चीनी के बदले गुड़ डाल सकते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप गुड़ भी नहीं पसंद करते, चीनी भी नहीं पसंद करते, तो किसी भी ड्रिंक में आप डाल दीजिए हनी, ये बहुत ही हेल्दी बनेंगे। वैसे मैं अभी चीनी डालकर एक सिरप बना रही हूँ। इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, अब ठंडा कर लिया और ग्लास में डाल दिया है। अब मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ इन सारे ड्रिंक्स के लिए। तो पहले मैंने वाटरमेलन का जूस निकाल दिया है। आप चाहे तो मिक्सी में निकालें या यूं ही विस्कर से थोड़ा सा घोट लीजिए और रस निकल आएगा। ये लीजिए वाटरमेलन का जूस निकल गया है। अब मैंने थोड़े से काले अंगूर लिए हैं। काले अंगूर के साथ आप अनार भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने छाना नहीं है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स इसके अच्छे लगते हैं, मुँह में आते हैं। तो यहाँ मैंने खीरा लिया है। खीरा कड़वा ना हो इसके लिए एक ट्रिक है, खीरे को धो के वॉश करके और बीच में से कट कीजिए। जब आप बीच में से कट करते हो तो खीरा कभी भी कड़वा नहीं होता है। साइड के पार्ट न डालें और इस छिलके समेत खीरे को आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा आप इसमें अदरक भी डाल दीजिए। और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़े से करी लीव्स भी डाल दीजिए। वैसे मैंने अभी यहाँ पर पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सा नींबू का रस जरूर डाल दीजिए इसी वक्त, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर अपना चेंज कर देता है। यहाँ पे शुगर सिरप भी डाल दिया मैंने, या आप जो भी मीठा पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। इसको भी हम छान लेते हैं। इसको मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि छिलके के साथ मैंने ग्राइंड किया था, लेकिन शुगर फ्री लेती हूँ। आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं। गर्मी में हमें बार बार पानी की प्यास लगती है, ये जूस आपकी प्यास को बहुत कम कर देते हैं। अब हम बना रहे हैं पहला ड्रिंक। ग्लास में मैंने अंगूर, जो काला अंगूर है, उसका क्रश डाल दिया। इसमें मैंने डाला काला नमक। अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर सिरप डाल दीजिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अंगूर ले रहे हैं तो आप शुगर सिरप हटा भी सकते हैं। नींबू का रस, अब इसमें डाल दीजिए पानी, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, और अगर चाहें तो आइस क्यूब्स डाल दीजिए। अब इसमें मिक्स कीजिए। अब इसमें डालिए 1 से 1.5 चम्मच भर के सब्जा। ये सब्जा जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो पेट फूलता है, वो ये बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है। ये देखिए, अब पुदीने के पत्तियों के साथ और साइड में एक अंगूर लगाकर इसको सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया है, नो कलर नो एसेंस, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। लीजिए, तैयार है ब्लैक करंट ड्रिंक। अब ये है कुकुम्बर, इसका जूस मैंने ग्लास में डाल दिया, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर,
एक से दो चम्मच इसमें भी डाल दीजिए सब्जा। तुकमारिया सीड्स भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी, इसमें एक आध पीस आइस क्यूब्स डाल दीजिए। लेमन जूस और शुगर सिरप मैंने पहले ही डाल दिया। लीजिए तैयार है लेमन कुकुम्बर ड्रिंक। अब एक ग्लास में हम वाटरमेलन का जूस डाल देते हैं। ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा पानी होता है। इसमें भी थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, तुकमारिया सीड्स, नींबू का रस, थोड़ा सा शुगर सिरप या कोई शरबत भी रेड कलर का डाल सकते हैं। मैंने पहले आपको जामफल का जूस कैसे बनाया जाता है, गन्ने का जूस कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। ये लीजिए वाटरमेलन ड्रिंक तैयार है। अब बनाते हैं लेमन ड्रिंक। तो सबसे पहले ग्लास में डाल देते हैं लेमन जूस, अब डाल देते हैं शुगर सिरप, अब डाल देते हैं सब्जा। अब जब लेमन ड्रिंक हम शिकंजी जब बनाते हैं तब हम ये तुकमारिया सीड्स नहीं डालते हैं, लेकिन आज इसे इस तरीके से बनाइए। और एक टेस्ट आपको बताती हूँ, एक नया टेस्ट है। एक नींबू का स्लाइस डाल दीजिए और हरी मिर्च को ऐसे लंबाई में हल्की सी काट के इसमें डाल दीजिए। ये तीखा सा जो फ्लेवर आएगा ना, आपको बेहद पसंद आएगा। अब इसमें पानी डाल सकते हैं या सोडा डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दीजिए आइस, थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर। लीजिए तैयार है, बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स है। आप बिल्कुल तरोताज़ा होने वाले हैं। बिल्कुल सस्ते में आप इतना बढ़िया ड्रिंक तैयार कर सकते हैं घर में कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। एक और बात, ये ड्रिंक्स तो हमने तैयार कर ली हैं, लेकिन ये ड्रिंक्स 4-6 घंटे बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप फ्रिज में रखें या किसी को भी देते हैं तो आप इसमें बॉटल में डालकर आप दे सकते हैं, तो ऑफिस भी ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक्स हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये ड्रिंक्स आपको कैसे लगे। ये बढ़िया सी फुल्डर सोडा घर में कैसे बने और टेस्ट ही बहुत बने, खास बात है ये। सबसे पहले हमें करना क्या होगा वो देख लेते हैं। इस सोडा को बनाने के लिए मुझे चाहिए एक चटनी, और वो भी पतली वाली। इस चटनी को बनाने के लिए लगेगा क्या, ये देखिए। एक मुट्ठी है भर के पुदीना, एक मुट्ठी है धनिया, 3-4 हरी मिर्च, 2 नींबू और 1 अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीजें हमें लगेंगी। सबको मैंने वॉश करके एक प्लेट में रख दिया है। अब ये और ज्यादा ठंडक दे उसके लिए मैंने लिया है सब्जा सीड्स। ये सब्जा सीड्स का अपना एक टेस्ट नहीं होता, बस ये गर्मियों के लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इसको 2 चम्मच अगर आप भिगा देंगे इस तरीके से पानी में, खूब सारा पानी डाल दीजिए, तो ये ग्रे कलर में हो जाता है और पानी को एब्जॉर्ब कर देता है। ये इसका नेचर है। अब ये सब्जा सीड्स हमने भिगा के रख दिए हैं। अब बनाएंगे हम एक शरबत। ये बेस शरबत हम बना लेते हैं, आप कितने भी फ्लेवर में बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमने लिया है 1/2 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी मैं ले रही हूँ पानी। इसे गैस पर हमें पकाना है, कुछ ये नहीं देखना है कितनी तार है कितनी नहीं है, तो बस ये एक शरबत बना रहेगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। अब बनाते हैं हम उस चटनी को। मिक्सी का जार ले लीजिए, पुदीना डाल दीजिए धुला हुआ कटा हुआ, और डाल दीजिए इसके अंदर हरी धनिया। सारी चीजें ठंडक देने वाली हैं और थोड़ी स्पाइसी टेस्ट देंगी, बहुत मजा आएगा। 3-4 हरी मिर्च, डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है, डाल दीजिए 1 अदरक का टुकड़ा। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए काला नमक, 1 चम्मच डाल दीजिए सादा नमक, 1/2 चम्मच डाल दीजिए जीरा पाउडर। अब ये चटनी हरी की हरी रहे इसके लिए क्या करेंगे आप, 3-4 पीस डाल दीजिए बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े डालने से मिक्सी का जार गर्म नहीं होगा और ये जो चटनी बन रही है ये हरी की हरी मिलेगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। आपने इधर शरबत तो बनाया ही है, पर इसे भी मीठा करना जरूरी है। मैंने क्योंकि शरबत बनाया है तो मैं इसमें चीनी 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। ये देखिए बर्फ डालने से ये पतली भी हो गई और ये ना हरी की हरी है, यही हमें चाहिए। अब हम बनाएंगे कैसे, ग्लास ले लीजिए, 2 से 3 जितने आपको बनाने हैं। उसमें सबसे पहले डाल दीजिए वो सब्जा जो हमने फुला दिया है। अब उसमें डाल दीजिए तीनों ग्लासों में जो एक जैसा सब काम करना है वो है पुदीना। पुदीना डालने के बाद आप डाल दीजिए शुगर सिरप। अब शुगर सिरप की बारी आती है कि किस में कितना डाला जाए। देखो
जो सेंटर में गिलास पड़ा है ना, ये हम मसाला फुलजर सोडा बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें शुगर सिरप थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। लेकिन जो आसपास दो गिलास है ना, वो हम दो फ्लेवर और बना रहे हैं। एक में डाल रही हूँ मैं रोज शरबत, तो उसमें ऑलरेडी शरबत है तो शुगर सिरप कम डलेगी। एक में बना रही हूँ फ्रूटी के साथ, इस समय आम का सीजन है, आम को पीस लीजिए या फिर फ्रूटी है तो फ्रूटी खोल दीजिए, तो वो भी थोड़ी मीठी होती है, इसलिए उसमें भी शुगर सिरप की क्वांटिटी थोड़ी कम पड़ेगी। पर सब इन बातों से छोड़िए, आपको तो जैसा फ्लेवर पसंद हो ना, आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना होगा, सारी चीजें डालने के बाद ये रोज शरबत डाल रही हूँ और इधर मैं डाल रही हूँ फ्रूटी, और जो सेंटर वाला है उसमें मैं नींबू एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने जो कटोरी में डाला ना, ये है चटनी। आप चाहें तो पहले इसमें, जब मैंने पहले रेसिपी आपको दिया ना, तो पहले हम सोडा डाल देते हैं, फिर एक छोटा शॉट ग्लास जो होता है ना, उसके साथ हम इसमें चटनी डाल देते हैं। फ्रॉदी सी बढ़िया सी झाग निकल आती है। लेकिन कई मेरे व्यूअर्स कमेंट में ये कहते हैं, हमारे पास ऐसा छोटा ग्लास नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैंने आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो छोटा ग्लास छोटे कटोरी को छोड़िए, आप जो चटनी है ना डायरेक्ट ही ग्लास में डाल दीजिए। अब देखिए, इस सोडा को डालिए और एंजॉय कीजिए, फौरन स्ट्रॉ डाल के इसे पीना शुरू कर दीजिए। अब जो साइड में शरबत है ना, उनमें हमें थोड़ा थोड़ा नमक एक्स्ट्रा डालना होगा, तभी उसमें अच्छे से इस तरीके से, ये देखिए जो हम उसमें सोडा डाल रहे हैं ना, ये देखिए ये मजा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फुलजर सोडा का स्टाइल तो भाई यही होता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने तरीके से भी कई फ्लेवर में बना सकते। स्ट्रॉ डालिए और एंजॉय कर दीजिए। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जो स्ट्रीट साइड में हमें मिलती है और हम पी भी नहीं पाते, कई बार तो हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो बस वही काम आज घर पर कीजिए, जरूरी नहीं आप फुल भरिए, थोड़ा कम भी भर सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाया कि इसका कितना पावरफुल जो इफेक्ट आता है ना सोडा का, बहुत ही अच्छा लगता है। इस गर्मियों में इसका एंजॉय कीजिए। और आप इसमें कौन कौन से वेरिएशन करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।